कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन पर जुटे हुए किसानों की मांग को हिमाचल आम आदमी पार्टी ने भी जायज ठहराया है। हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निक्का सिंह पटियाल ने हमीरपुर में कहा कि किसान की मांगों को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेता राजनीति कर रहे हैं और मांगों को अनदेखा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल में भी जयराम सरकार केवल राजनीतिक बयानों पर ही सिमटी हुई है और पीएम मोदी पर किसानों की मांगों को मानने की बात को नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कानून बनाने के लिए आनन फानन में कानून बनाया है। पटियाल ने कहा कि कानून को बनाने से पहले किसानों की सहमति बहुत जरूरी थी और इसके चलते एक महीने किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर किसानों की मौतें तक हो चुकी हैं लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी केवल राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी की सरकार किसानों के पक्ष में है क्योंकि किसानों के दर्द को आम आदमी पार्टी समझती है। उन्होंने कहा कि किसानों के दुख दर्द को समझते हुए तुरंत इस बिल को वापस लेना चाहिए। उन्होंने प्रदेश मुख्यमंत्री से भी अपील की है कि किसान विरोधी विधेयक को वापस किए जाने के लिए काम किया जाए और पीएम मोदी के सामने किसानों की बात को रखा जाए। किसानों के पक्ष में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो मोदी सरकार ने जो कानून बनाया है, आनन फानन में डिसीजन लिया गया है, जबकि किसानों का जो आंदोलन था, है, जो चल रहा है, वो उस कानून के विरुद्ध चल रहा है। जबकि उस कानून को बनाने के लिए मेरी ये राय है और कहना चाहता हूँ कि किसानों से मीटिंग लेना चाहिए थी। किसानों के लिए कानून बनाया जा रहा था तो उनको भी उस कानून में उनकी सहमति लेना चाहिए थी, जबकि ये सहमति नहीं ली गई। और लगभग एक महीना होते जा रहा है अभी, किसानों का जो आंदोलन है उसमें कई लोग जो हैं मतलब अपनी मृत्यु उनकी हो चुकी है। कल भी एक न्यूज़ आया था कि एक 35-36 साल का जो जवान लड़का है वो वहाँ कुंडली बॉर्डर पे उसकी डेथ हो गई है किसी नाले में गिर के, क्योंकि रात को भी वहाँ वो बैठे हुए डटे हुए हैं। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस इसमें राजनीति के सिवाय कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी सेंटर में जो हमारी सरकार दिल्ली में जो सरकार है